और कोरोना संक्रमण के भयंकर प्रकोप से देश में कोहराम मचा कर रखा है और दूसरी लहर से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही। दवा उपकरण, अस्पताल और उचित इलाज के अभाव में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। शासन प्रशासन के साथ ही तमाम सामाजिक संगठन भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में खटमा व्यापार मंडल ने भी एक अनूठी पेशकश शुरू करते हुए खटमा के लोगों को केवल 500 में एक ऑक्सीमीटर के साथ ही एक सैनिटाइजर और दो मास्क निःशुल्क वितरित कर पीड़ित और परेशान लोगों को राहत देने का काम किया है। और इस संबंध में SDM निर्मला विस्ट ने भी बताया है कि खटमा व्यापार मंडल के द्वारा एक अच्छी पहल शुरू की गई है, जिसमें लोगों को यहां पर मदद की जा रही, मास्क और सैनिटाइजर यहां पर वितरित किया जा रहा है, 500 में ऑक्सीमीटर भी दिया जा रहा है। गढ़वाल पौड़ी जिले के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। जिले में कुल संक्रमण आंकड़े अगर बताएं आपको, उसके मुताबिक 58% यहाँ पर मामले जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में ही सक्रिय हैं, जिससे कोरोना के हालातों का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कोरोना के मामले लगातार जिले में बढ़ने से जिला प्रशासन भी सख्ती में आ गया है और अब एहतियात के तौर पर कंटेनमेंट जोन की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। बताते चले कि अब तक जिले में 23 कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन एहतियात के तौर पर बना चुका है, जिसमें सबसे अधिक कंटेनमेंट जोन दुगड़ा ब्लॉक में बनाए गए हैं। वहीं प्रशासन के लिए कोरोना की रोकथाम एक बड़ी चुनौती भी बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अब शहरी क्षेत्र की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजने के साथ ही मेडिकल किट को भी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाकर हालातों को नियंत्रण करने में प्रयास में लगा हुआ है। जितने भी ग्राम पंचायतों में इस तरह का जो संक्रमण की सूचनाएं प्राप्त हो रही है, वहां पे मेडिकल टीम, वहां के जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उस ब्लॉक के, वो जा रहे हैं। उनके साथ साथ वहां के ANM भी जा रही है और वहां पे प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन का भी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, साथ में वहां पे सैंपल्स भी ले रहे हैं। अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी काफी संख्या संक्रमण बढ़ रहा है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप फेस मास्क का प्रयोग, नियमित हाथों को साबुन से धोना और सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित करिए। अनावश्यक रूप से बाजारों में अथवा मेल जोल वाले कार्यक्रम में जाना जो है आपको टालना आवश्यक। चलिए पौड़ी जिले की बात कर लेते हैं। पौड़ी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की कमी के कारण 45 साल और इससे अधिक उम्र के लोगों को कोविडशील्ड का टीकाकरण जिले में वैक्सीनेशन की कमी होने के कारण प्रभावित हो गया है। यहां वैक्सीन खत्म होने की वजह से जिन अस्पतालों में टीकाकरण किया जा रहा था, वहां फिलहाल 45 वर्ष और इससे अधिक की उम्र के लोगों का टीकाकरण नई खेप मिलने तक रोक दिया गया है। हालांकि टीकाकरण प्रभावित होने की सूचना अस्पतालों में चंपा तक नहीं पहुँच पाई है और जिससे कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी डोज के लिए अस्पतालों का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन यहां टीकाकरण ना होने के कारण वे बगैर टीका लगवाए ही अपने घरों को लौट रहे हैं। CMO ने बताया है कि जैसे ही वैक्सीन की खेप उन्हें मिलती है, तुरंत 45 साल से अधिक का टीकाकरण अभियान दोबारा से शुरू करवाया जाएगा, जो आज टीके की कमी के चलते फिलहाल बाधित है। ये कि नई खेप जो है वैक्सीन की 45 प्लस के लिए अभी हमें नहीं उपलब्ध हो पाई है, तो कुछ जगह पे जो हमारी रिमोट के जो PSC SPSC हैं, जहाँ पे की पॉपुलेशन कम रहती है वैक्सीनेशन, वहाँ तो अभी हमारे पास डोज बची हुई है, लेकिन जो बड़े सेंटर हैं जैसे श्रीनगर हो गया, पौड़ी हो गया, कोटद्वार हो गया, वहाँ 45 प्लस के लिए वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। तो जैसी वैक्सीन उपलब्ध होगी हम जानकारी उसके सोशल मीडिया के माध्यम से भी देंगे और हमने वहाँ सभी जगह नोटिस भी चस्पा करवा दिए हैं कि अभी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। फिर भी किसी को जानकारी लेनी है तो हमारा कोविड कंट्रोल रूम है, उससे जानकारी इस बारे में ले सकते हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी हम वापस। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल RIA News।